हेलो यूट्यूब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकार हुसैन खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमने बीएड मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट पे एक सीरीज स्टार्ट की है, जो उस सिलसिले में आज हमारा जो वीडियो है ये पार्ट 5 है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। हमने लिटरेचर रिव्यू तक डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वर द मेजर वेरिएबल ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपकी प्रोजेक्ट की मेजर वेरिएबल क्या है और उसके बाद उसकी डिफिनीशन देनी है लिटरेचर के हवाले से। तो मैं बता दूं कि मेरा जो प्रोजेक्ट था उसमें मेजर वेरिएबल्स, जो मेजर कंपोनेंट्स थे, वो जिस पे मैंने काम किया था वो टीचर स्टूडेंट रीडिंग स्किल्स, वो क्राउडेड क्लासरूम, प्रॉब्लम स्ट्रेटजीज एंड पोनिक्स। ये मेरे पास प्रोजेक्ट में वेरिएबल्स थे। दीज आर द मेजर वेरिएबल्स ऑफ माई प्रोजेक्ट। उसकी डिफिनीशन एक एक करके आपने देनी है, जो कि मैं आपको तरीका आपके सामने है किस तरह मैंने दी है। टीचर, अ पर्सन हु टीचेस, अ पर्सन हु अंडरस्टैंड देयर स्टूडेंट्स, अ पर्सन हु अडॉप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इस तरह के आपने डिफिनीशन आपने देनी है। देन पे स्टूडेंट्स के मैंने डिफाइन किया है कि अ पर्सन हु स्टडी इन अ organization or somewhere in the sense by doing this he may improve his her knowledge। इस तरह करके आपने एक एक कंपोनेंट को आपने डिफाइन करना है। इस तरह मैंने रीडिंग स्किल्स को डिफाइन किया है और क्राउडेड क्लासरूम को डिफाइन किया है। देन उसके बाद प्रॉब्लम स्ट्रेटजीज एंड देन लास्ट में जो कि मेरे टॉपिक का बेसिक जो थीम है वो है पोनिक्स के हवाले से, तो वो भी मैंने डिफाइन किया है। तो इस तरह आपने डिफाइन करना है। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। आप इस रिसर्च प्रोजेक्ट से क्या अचीव करना चाहते हैं। तो इसको आंसर देने के लिए मैंने स्टार्टअप में फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ इस तरह से स्टार्ट किया है, जिस तरह मैंने लिखाई की है आपने इस तरह स्टार्ट करना है। द पर्पज ऑफ माई रिसर्च प्रोजेक्ट इज इन सिंपल वर्ड्स दैट हाउ अ टीचर विल बी एबल टू इम्प्रूव द रीडिंग स्किल आप स्टूडेंट इन साइड दर क्राउडेड क्लासरूम। जस्ट ये मेरी सिंपल वर्ड्स में मेरा मकसद यही है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं लिख रहा हूँ, एज वी नो द स्टेटस ऑफ आवर गवर्नमेंट स्कूल वेदर इट इज प्राइमरी और हाई, द स्टूडेंट्स केम आउट फ्रॉम दीज स्कूल्स कैन नॉट कम्पीट टू वट वी कॉल्ड द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइवेट स्कूल सेक्टर। The reason behind this problem is that because the poor basic skills of a kid did not develop over this whole period. तो क्या मसला हो जाता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उससे जो स्टूडेंट्स काफ़ी स्टूडेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, जो कि एक गुड साइन है, लेकिन फिर भी 50% स्टूडेंट्स वो प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। मैं अपनी जो मैं एम है उसको लिंक कर रहा हूँ प्रॉब्लम के साथ। मोर ओवर टॉकिंग अबाउट द एकेडेमिक ईयर, दो स्टूडेंट्स हु कैन नॉट रीड दे मे नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस द एकेडेमिक ईयर विद हाई परसेंटेज ऑफ सक्सेस विच इज सर्टनली नीड्स फॉर एवरी स्टूडेंट टू अचीव देयर फ्यूचर एम्स एंड गोल्स। देन उसके बाद मैं लिख रहा हूँ, द रिसर्च इज प्योरली बेस्ड स्ट्रेटजीज डेट अंटिल नाउ वी डेट अप्लाई एंड एज रिजल्ट वी फेस्ड फेलियर। दिस रिसर्च प्रोजेक्ट विल हाईलाइट दोज एरियाज फर्दर, इट विल शो अ गाइडलाइन टू ऑल द टीचर्स दैट हाउ यू कैन कम अक्रॉस टू दिस सिनेरियो इन फ्यूचर। जस्ट आप ये प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा टीचर के लिए कि फ्यूचर में आपने इस तरह के सिनेरियो से किस तरह बचना है, कौन से गलतियाँ हम कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ जो बेसिक स्किल्स उनकी ओवर द टाइम डिवेलप नहीं हो रही। देन इस क्वेश्चन के साथ एक दूसरा पार्ट ये है कि प्यू क्रिटिकल क्वेश्चन आपने बताने हैं कि कौन से प्यू क्रिटिकल क्वेश्चन आपने इस प्रोजेक्ट में उनका जवाब दिया है। तो वो आपने इस तरह लिखने हैं जिस तरह मैंने क्वेश्चन लिखी है, ये क्वेश्चन आपने लिखने हैं क्वेश्चन की फॉर्मेट में। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हाई देयर इज अ लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन साइड योर क्राउडेड क्लासरूम, इस सवाल का मैंने जवाब दिया है। देन दूसरा मैं अपनी तरफ से
ये सब क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज ऑलवेज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इनसाइड योर क्राउडेड क्लासरूम, कम्युनिकेशन गैप क्यों रहता है। देन तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, व्हाई देयर इज नो सूटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट इनसाइड योर क्राउडेड क्लासरूम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, फेसिंग प्रॉब्लम टू डिवेलप बेसिक स्किल्स इन योर क्राउडेड क्लासरूम। ये मेरा चौथा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने प्रोजेक्ट में दिए हैं, जो कि आपसे ये बुक की क्वेश्चन डिमांड कर रहे हैं कि ये वो क्वेश्चन आप बताइए यहाँ जिसका आपने प्रोजेक्ट में आगे जवाब दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 4 वेरिएबल्स के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि था आप इस प्रोजेक्ट से क्या अचीव करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।